12 मई को होने वाले चुनाव में प्रचार के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवानी में कांग्रेस प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी ने भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पैरामिलिट्री फोर्स में काम करने वाले सैनिकों को दुर्घटना होने पर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। कांग्रेस की सरकार उन्हें आर्मी के सैनिकों की तर्ज पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। गौरतलब है कि भिवानी, दादरी व महेंद्रगढ़ जिलों से बड़ी संख्या में भूतपूर्व व वर्तमान सैनिक भिवानी पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का झूठा वायदा नहीं करते, परंतु कांग्रेस सरकार बनने पर देश के 24 लाख खाली पदों पर युवाओं को सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मंच से लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से उद्योग शुरू करने के लिए सरकारी औपचारिकताओं को खत्म कर चीन की तर्ज पर औद्योगीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शासन आने पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो में घोषित न्याय योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से देश के 25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना का सीधा लाभ 5 लाख परिवारों को मिलेगा तथा 5 लाख के कार्यकाल में 3,60,000 करोड़ रुपए देश की जनता तक पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने भाजपा 15 लाख दिए जाने को जुल्मा बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी सरकार को कर्ज के चलते जेल नहीं जाना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने नोटबंदी व जीएसटी का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की बात कही है तथा कहा कि नोटबंदी व जीएसटी के चलते देश में करोड़ों लोगों को रोजगार खत्म हुआ है। न्याय योजना के शुरू होने से लोगों के हाथ में पैसा आएगा और क्रय क्षमता बढ़ेगी, जिससे रोजगार स्थापित होंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों के चलते नीरव मोदी, माल्या व अंबानी को लाभ पहुंचा है। राहुल गांधी ने भिवानी रैली में पहुंची बड़ी संख्या में भीड़ का अभिवाद किया तथा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के प्रभारी गुलाम नबी आजाद व कांग्रेस विधायक नेता किरण चौधरी व भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी श्रुति चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया। चौकीदार मैं भी कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी देश, कोई भी शक्ति ये सोचती है जो हिंदुस्तान के लोग मार सकती है, हिंदुस्तान वापस मारे 100% वापस मारे। अगर अलग अलग एक दुश्मन बेरोजगारी, एक दुश्मन गरीब, एक दुश्मन जो नेशनलिज्म का आइडिया है, वो सब है, मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सेना के पीछे चल रहे हैं। उनके एक व्यक्ति ने कहा, मोदी का इससे बड़ा अपमान जवानी की जनता, हमारे सोल्जर्स, हमारे एयरफोर्स के लोग, हमारे नेवी के लोगों का, जब हमारा हिंदुस्तान के सेना, हिंदुस्तान की सेना नरेंद्र मोदी की कभी नहीं हो सकती। और नरेंद्र मोदी ने सेना का राजनीतिक प्रयोग किया। फिर पुलवामा, मैंने सीधा बोला, कांग्रेस पार्टी शहीदों का प्रयोग नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा सपोर्ट सरकार को, सेना को देगी।
तो बिल्कुल नेशनलिज्म नेशनलिज्म, मगर सेना का राजनीतिक प्रयोग करना, सेना का अपमान। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर ने सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस पार्टी ने कहा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार सेना ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री कहते हो आप डिसाइड कीजिए, सेना वीडियो गेम खेल रही थी क्या? आपका फायदा नहीं हुआ, पर्सनल फायदा नहीं हुआ, तो सेना वीडियो गेम खेल रही। अपमान करते हैं, ये हिंदुस्तान का अपमान करते हैं, क्योंकि फ्रेंकली घमंड घुस गया। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं मैं हिंदुस्तान मेरे में है। नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान नहीं है, आप हिंदुस्तान के छोटे से पीस हैं। मैं हिंदुस्तान का छोटा पीस हूँ, करोड़ों लोगों का मैं इसमें एक हूँ। आप हिंदुस्तान नहीं है, गलती से भी मत सोचिए। हिंदुस्तान की जनता अब आपको समझाने जा रही है कि आप हिंदुस्तान नहीं हो और कभी नहीं हो सकते हो। ये मैनिफेस्टो में देखिए कितने लोग ये हमारे लिए हिंदुस्तान, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की आवाज़ है। इसको आप खोलिए, इसमें किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, बेरोजगार लोगों की आवाज़ है, गरीबों की है, माताओं बहनों की है, इन सब लोगों की आवाज़ है। नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो में एक फोटो नरेंद्र मोदी, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का विजन, ये जो विजन है इसके सामने नरेंद्र मोदी खड़े हो, दुनिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसमें इतनी शक्ति है, हिंदुस्तान की आवाज में इतनी शक्ति है। अरे भाई, तीनों सुपर पार खड़े हो जाएं, हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकते। हमने दिखाया है देश दुनिया को, पहले सुपर पार हुआ करता था इंग्लैंड, ये स्वराज ने उस सुपर पावर को वापस भेज दिया था। तो ये शक्ति है